हम लगातार तंबाकू के खिलाफ एक अभियान लगाए हुए हैं। तंबाकू जो कि एक जहर है और शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देती है और अंत में हमें तंबाकू क्या देती है, सिर्फ बर्बादी बर्बादी और बर्बादी बर्बादी पैसे की, क्योंकि जो तंबाकू खाते हैं 50 रुपये रोज की तंबाकू खाते हैं तो एक साल में 18,000 रुपये और पूरी ज़िंदगी में करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपये की तंबाकू हो जाती है, और बर्बादी आदमी की जो खा रहा है कहीं ना कहीं उसे कोई सी बीमारी हो तो पूरा शरीर बर्बाद होता है और पूरा परिवार बर्बाद होता है। तो बर्बादी पैसे की, आदमी की और पूरे परिवार की, तंबाकू बस इतने देती है और आदमी के जाने के बाद सिर्फ आंसू। इस पूरी कैंपेन में क्या क्या प्रयास रहे, किस किस तरह से लोगों को जोड़ा, क्या क्या? देखिए, ये कैंपेन 19 फरवरी को एक विचारधारा के साथ शुरू हुई, 3 तारीख को इसको हमने एक मूर्त रूप दिया और 7 तारीख को हमने कोर कमेटी बनाकर काम शुरू किया। उसके बाद लगातार सुबह शाम दोपहर जहाँ मौका लगा हर गली में, हर मोहल्ले में, हर फैक्ट्री में, स्कूल में और सभाओं में जाकर हमने लोगों को जागरूक किया। मिनिमम एक मीटिंग में 5 लोग भी प्रेजेंट थे और मैक्सिमम 3,000 लोगों तक हमने गैदरिंग को कवर किया। इस पूरे प्रयास में हमारा एक ही मोटिव था कि किसी तरह से कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग, क्योंकि ये मोटिवेशनल बात है, जो मोटिवेट हो जाए, जो मोटिवेट हो गया उन्हें छोड़ना प्रयास किया। उसके लिए हमने नंबर लाइफलाइन एक नंबर जारी किया कि आपको अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हम फ्री कंसल्टेंसी देंगे। उस नंबर के माध्यम से ये हमने जो आंकड़े लगाए तो करीब 1500 लोग हम पर फ़ोन आए थे, उन्होंने कहा कि हम छोड़ चुके हैं, उन्होंने हमसे धन्यवाद ज्ञापित किया। सर, एक सवाल मेरा भी, इस मुहिम से को लेकर गवर्नमेंट को कुछ ज्ञापन दिया है कि तंबाकू पे रोक लगाओ या जिस तरीके कुछ? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि हम सिंगल मोटिव लेकर चल रहे थे कि हम पहले लोगों को जागरूक करें, जब खरीदेंगे नहीं तो क्या खाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या प्रयास किया कि हमने एडीजी पुलिस को ज्ञापन दिया, हमने कहा कि सभी थाने को, सभी अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके थानों को तंबाकू मुक्त जोन घोषित होना चाहिए। यही ज्ञापन हमने डीएम को भी दिया और डीएम से कहा कि जितने कार्यालय, सरकारी कार्यालय हैं उनको तंबाकू मुक्त जोन घोषित किया जाए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पब्लिक प्लेस में आप तंबाकू सेवन नहीं कर सकते। तो अगर उसका हमें अश्योरेंस भी मिला, एसएसपी साहब ने इसका आगे बढ़ते हुए हमारी एक मीटिंग सभी थानों के थानाध्यक्ष और अधिकारियों के साथ एक कॉमन मीटिंग कराई और इसका मैं बहुत ज़्यादा सराहना हुई। एक जगह तो पुलिस